बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मरतबा फिर आपके साथ एक नए फैकल्टी के साथ नर्सिंग लीडर, माशाल्लाह मेरे कॉलेज की क्लास फेलो, बहुत सारी ट्रेनिंग्स की, इस्लामाबाद से भी स्पेशलाइजेशन किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये शुरू शुरू के नर्सेज हैं जो सिंध के अंदर 75 में स्टार्ट हुई लाड़काना के अंदर चांड का मेडिकल कॉलेज। मैं आपसे तारुफ कराता हूँ अपने बड़े प्यारे दोस्त जनाब अब्दुल लतीफ खांदेरो साहब जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। वो मेरा नाम अब्दुल लतीफ खांदेरो, ब्लॉक फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट दादू, आजकल डिस्ट्रिक्ट जामशेदो। हाँ, तो मैंने जो नर्सिंग के हवाले से जो आप पूछ रहे हैं, हमें एडमिशन ली थी अक्टूबर 1975 के अंदर चांदगा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल आता है, और वहाँ पे भी मेडिकल कॉलेज बना था उस टाइम पे, एनजीएस वालों का कॉलेज बना था, मेडिकल कॉलेज तब बना था। उस वक्त हमने वहाँ पे 3 साल के लिए कोर्स स्टार्ट किया, तो 77 के अक्टूबर तक जो है हमारे कोर्स की जो है वो एंड हो गई। वहाँ पे हम लोगों को पढ़ाने के लिए स्पेशली दो हमारी थी, मैडम जरीना हबीब फ्रॉम कोयटा नर्सिंग स्टूडेंट थी, और मैडम गिल थी, वो दो पढ़ाए। बकाया सारे जो फिजिशियन सर्जन्स प्रोफेसर वो पढ़ाते थे, डॉक्टर अकबर हैदर सुमरो अभी भी हैं वो अपने, डॉक्टर अब्दुल कादरी शेख था, डॉक्टर नेक मोहम्मद शेख था, डॉक्टर अब्दुल कादरी शेख था, ENT का डॉक्टर मुनिर, सारे प्रोफेसर पढ़ाते थे। तो वहाँ पे जब हमने ये किया तो अजीब सा महसूस हो रहा था मेल के हवाले से, और उस एडमिशन के अंदर 32 फीमेल नर्सेस थी फ्रॉम पंजाब, क्रिश्चियन कम्युनिटी की ज़्यादातर थी, मुसलमान 2-4 थी, और हम मेल थे 22 उस वक्त। लेकिन वो माहौल ऐसा था, फैमिली की तरह माहौल बना हुआ था, और ये स्टार्टिंग हुई थी फ्रॉम चांद कम्युनिटी कॉलेज दारखाना। तो एडमिशन हमारी अक्टूबर 1975 से। माशरे के हवाले से आपने पूछा कि कैसे आए बंदा, हर कोई उनके वालदे यही चाहता है कि मेरा बच्चा पढ़ लिखे किसी मंजिल पे पहुँचे। तो हमें भी वहाँ के कुछ लोगों ने या दोस्तों ने बताया, भाई ये नर्सिंग का कोर्स है बहुत अच्छा है, उसका फ्यूचर भी अच्छा है, आप इनको यहाँ पे भेजें। और जैसे वहाँ से निकले, निकलने के बाद फिर हम 6 साल घर पे बैठे, कि हर किसी वालिद की या ख़ानदान की सोच कुछ अलग है कि आपने गवर्नमेंट जॉब नहीं करना है, नौकरी है, नौकरी नहीं करनी है, आपने अपने घर के अंदर ही अपना सारा सिस्टम चलाना है। तो अचानक अखबार के अंदर एड आ गई मेंटल हॉस्पिटल हैदराबाद की, जिसको सर CJ इंस्टीट्यूट ऑफ सेक्रेटरी बोलते हैं। तो 1983 के अंदर मैं वहाँ पे गया, वहाँ पे जाके इंटरव्यू दिया, वहाँ के प्रोफेसर थे डॉक्टर हैदर अली जी काजी, मेडिकल सुप्रीडेंट थे, उन्होंने सर्टिफिकेट देखे, मैट्रिक फर्स्ट क्लास में है, जनरल नर्सिंग की है, उसी टाइम पे इंटरव्यू लिया, लेने के बाद सर्टिफिकेट दी। मेरे ख्याल में उस वक्त तनख्वाह भी हमारी 620 रुपये पता नहीं, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदगी की बहुत बड़ी इज्जत थी, खुशी थी। लेकिन माशरे में जहाँ भी जाते थे वहाँ पे मेल का लफ्ज़ देख के हर कोई हैरान थे, हम भी इनर फीलिंग्स जो हमारे दिया, ये हम कहते हैं फीमेल का प्रोफेशन आप कैसे है, लेकिन जो खिदमत के हवाले से, जो खिदमत में इबादत है, अगर उसको देखा जाए, जो हमने मेहनतें की हैं, उससे हमारा ज़मीर आज भी मुतमईन है। उसके बाद फिर पढ़ने के लिए हर कोई बंदा कोशिश करता है, फिर कुछ आपने स्पेशलाइजेशन भी की, और मैं ये पूछना चाह रहा था कि आपने माशाल्लाह सिंध गवर्नमेंट से रिटायरमेंट ले ली, अब यहाँ वाइस प्रिंसिपल आप हैं और माशाल्लाह कराची में आपसे मुलाकात हो रही है, तो आप क्या समझते हैं कि मेल को इस प्रोफेशन में आना चाहिए, क्या किरदार है मेल इसमें, जैसे आपने तो अपना सारी जिंदगी इसके अंदर गुजारी। हाँ, मेल के किरदार के हमने देखा जाए उस वक्त का अगर माहौल देखते हैं तो सिक्योरिटी तहफ़ फीमेल नर्सिस को बींग अ क्लास फेलो ऐसा महसूस करते थे कि हम उनके लिए कुछ मुस्तकबिल के लिए कोई ऐसा है, कोई प्रॉब्लम वगैरह होता है माशरे तौर पे, मुआशी तौर पे, फिजिकली तौर पे कोई होता, हम उसके मददगार ऐसे होते थे कि हर कोई ये चाहता है हाँ मेल हमारे साथ होने चाहिए उस वक्त। लेकिन अभी तक ये चल रहा है कि एक तो ये सपोर्ट है, दूसरा ये है कि फीमेल की जब शादियाँ हो जाती हैं तो उनके वालदेन या ख़ानदान वाले मेके या पे वहाँ पे जो है उनको सर्विस करने नहीं देते, नहीं देते। तो हमने एक बंदा जो तैयार किया, वो कल को जाके उस मंजिल पे पहुँचे और 16 ग्रेड की पोस्ट पे घर के अंदर जो 50-60 हज़ार 80 हज़ार उसकी तनख्वाह हो, घर चलाए, 20 बंदों को बैठ के खिलाए। जब उसकी शादी हो जाए, आगे वाले नहीं करने देते काम, तो समझो हमारा एक बंदा गया। जबकि मेल जो है वो 20 या 40 बंदों को भी सपोर्ट करता है घर, और मुआशरे तौर पर जितने भी
मसाइल या परेशानियां हैं उनको भी कवर करता है, अपना घर सही का चलता है और फ्यूचर में इसकी ड्यूटी में शामिल होता है। अगर मैं यहाँ पे पढ़ाऊँ तो मेरा फर्ज अपने अड़ोस पड़ोस इधर उधर के बंदों को ला के नर्सिंग के अंदर रख के उनको मुस्तकबिल उनका संवार दूँ। एक बंदे का मुस्तकबिल संवारता है। मेरी सोच जो है कि कम से कम 20 बंदों का जो उसकी ड्यूटी लग जाती है 20 बंदों को, फिर सोचते जो है मेल हो या फीमेल हो। डॉक्टर्स के अंदर मेल फीमेल का नहीं है, हमारे यहाँ नर्सिंग के अंदर एडमिशन से लेकर जो मेल फीमेल का चलता है, BDS के अंदर नहीं है, फिजियोथेरेपी के अंदर नहीं है, वहाँ पर नहीं है, यहाँ पर आकर हमारा मेल फीमेल का चले। जबकि कंट्री ऑफ द वर्ल्ड के जितने कंट्रीज है वहाँ पर भी मेल फीमेल का चलता है ही नहीं। ये एक बड़ी अच्छी आपने बात की। अच्छा, आपने क्या नर्सिंग जो उस टाइम हो रही थी और अभी जो नर्सिंग हो रही है इसमें क्या फर्क है? आपने पिछले 30-35 साल का ये आपका एक्सपीरियंस है, 35 साल है? ये नहीं ज्यादा हो गया, 40-45 साल, 75 से जब आपने ट्रेन तो 45 ईयर्स, तो 45 ईयर्स एक बहुत बड़ा आधी सेंचुरी के करीब, तो क्या आपको फर्क महसूस हुआ या अभी क्या हो रहा है, आप वो थोड़ा सा शेयर करें। उस टाइम पे जो मैनुअल काम था वो ज्यादा था वहाँ के सर्जन से, जैसे डॉक्टर निकमन शेख का, तो वहाँ पे जिस जिस की ड्यूटी जिस वार्ड के अंदर होती थी तो वहाँ पे खास स्पेशली सर्जन आता और सर्जन आके यही कहता कि भाई कितने बेड हैं, कितने पेशेंट, हम बताते भाई 15 पेशेंट हैं, नाम बताओ, वाले साहब का नाम बताओ, इसकी डायग्नोस क्या है, और डायग्नोस के बाद फिर भाई डेट ऑफ एडमिशन क्या है, इसका ऑपरेशन कब हुआ है, ट्रीटमेंट क्या चल रहा है, उनके रजिस्ट्रार डॉक्टर वो सारे जगह नर्सिंग प्रोफेशन के हमारे जितने दोस्त थे मेल या फीमेल वो पूरे वार्ड हर चीज़ का पता था, ऑपरेशन कब हुआ, उसकी ट्रीटमेंट क्या है, ड्रेसिंग करना खुद अपने हाथ से, हर चीज जो हम खुद करते थे। लेकिन जब कम्युनिटी में गए पढ़ लिख के, ये आपका कम्युनिटी का बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, जो है मेरा पिंज कॉलेज ऑफ नर्सिंग स्किल इस्लामाबाद में पढ़ा था 87-88 में, तो मैं 90-91 के बाद जो है मैं चला गया कम्युनिटी में, तो मैंने 3-4 BHUs जो है वो बंद थे उनको जाके बुलाया और वहाँ पे अभी भी 25 बेसिक हेल्थ यूनिट्स जो आजकल PPH पर, तो 3 यूनिट्स के अंदर एक एक में 22 से 25 बंदे काम कर रहे हैं, रोजी रिजिक चल रहा है, 3 वो बंद थे। लेकिन कम्युनिटी में जाके हम वहाँ पे नेचर थी हेल्थ एजुकेशन के हवाले से इन्फॉर्मेशन देते थे, बीमारियाँ कई होती थी खुद जाके डिटेक्ट करते थे, डायरिया क्यों हुआ, मीजल्स क्यों हुआ, डेथ क्यों बढ़ रही है, तो सर्विलेंस का काम या हेल्थ सेंटर के अंदर जो काम किया वहाँ पे भी जो डॉक्टर्स थे उनके साथ जो काम करते थे तो OPD भी उनके चलाते थे, एक्सीडेंट के केस भी देखते थे, मेडिकल केस भी देखते थे, कभी कभी पोस्टमार्टम वगैरह होता था वो हम खुद भी उनके साथ मददगार बन के काम करते थे, बताया ऑफिशियल वे में जो वो अपना काम करते, तो हॉस्पिटल को रन कराना इन एमरजेंसी 24 आवर खिदमत करने से जो है वो पता नहीं जमीन और दिल खुश है। अभी भी हम शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश हैं कि बिंग कौन से भले दुनिया के अंदर हो, लेकिन यह है कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी इस एज के अंदर 63 के अंदर मैं अपने आप को मुतमइन अपनी जिंदगी मुतमइन समझता हूँ। आप तो 63 के नहीं लगते, आप तो 43 के लगते हैं। ये आपकी करमनवाजी है। माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको और सेहत दे और इसी तरह नर्सिंग के शोबे में और ज्यादा। अच्छा, हम पाकिस्तान में देखते हैं नर्सिंग के शोबे में बहुत ज्यादा इमेज अच्छा नहीं है अभी तक, एक तो शॉर्टेज है जाहिर है, बहुत ज्यादा ओवरलोड है उसकी वजह से, लेकिन अब आप कैसा समझते हैं कि इसको हम किस तरह इंप्रूव करें, इसमें क्या आप समझते हैं कि चीजें जो है हर्डल्स हैं? इसके लिए बुनियादी तौर पे जो रूल्स रेगुलेशन बने उसकी बुनियाद पे बहुत सारे लोग नहीं चलते। मैं आपको हल्की सी एक मिसाल दे देता हूँ कि हैदराबाद शहर के अंदर एक हॉस्पिटल, नाम ही लेता उसका, वहाँ पे अपनी बच्ची एडमिट थी, तो वहाँ पे जाके मैंने देखा तो नर्सिंग प्रोफेशन के जो बंदे थे, जब पता किया मैंने कि वहाँ पे 36 फीमेल थी उस हॉस्पिटल के अंदर, 36 फीमेल थी प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर, पता किया कि किसी का इलेक्ट्रिकल कोर्स था वो भी फेल, कोई कोई पास नहीं तो फेल, CMW कमेटी में बैठता फीमेल में बैठता, तो 5 या 6 हज़ार रुपये उनको रहते हैं। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा शेख साहब ये आपका इतना बड़ा हॉस्पिटल ये हो और ये ऑर्डर्स जो एक एरिया और नहीं हो रहे, आपके पास नर्सिंग प्रोफेशन के बंदे नहीं, आपने यूनिफॉर्म पहना के इनको खड़ा किया, इनको नॉलेज नहीं है, मकसद क्या? लोग कहते हैं कि भाई हम लोगों के पास जो है वो ये हैं सही, लेकिन जो है फिलहाल हमारे पास हमें अरेंज नहीं होता हमारी नर्सिंग प्रोफेशन वालों का। मैंने कहा बाबा आप मुझे बताओ, मैं एज ए इंस्ट्रक्टर काम कर रहा हूँ यहाँ पे सर कवास जी जानगी इंस्ट्रक्टर सेक्रेटरी में, आप बोलो तनख्वाह उनको अच्छी दो तो हम उनको जो आप 100 जो है नर्स दी आपको ला के देते हैं, क्योंकि ज़रूरत है। तो पे के हवाले से जब ये नहीं मिलता नर्सिंग वालों को तो ये वहाँ पे फैमिली वेलफेयर वर्कर, कम्युनिटी मिडवाइफ्स और एनएचएस को यूनिफॉर्म पहना के
वहाँ पे जब खड़ा करती तो उनके बिहेवियर, बात करने का ये सारा कुछ वो चेंज हो जाता है। इसीलिए दुनिया के अंदर किरदार के हवाले से हर चीज़ को पहचाना जाता है। फिर कोई एक गंदा होता है तो फिर कहते हैं कि पूरा तालाब जो है वो गंदा हो जाता है, लेकिन ये ऐसे है नहीं। बहुत सारे इंसान ऐसे हैं जो डेडिकेशन, जिसको बोल डेडिकेट, बेलोस खिदमत, जिसका कोई मुआवजा अदा नहीं करता। हमने बहुत सारे ऐसे भी देखे, आज भी है वो मौजूद, जिससे जो प्रोफेशन अभी भी चल रहा है। तो आपका कहने का मतलब ये है कि जो यहाँ पर खासतौर पर प्राइवेट हॉस्पिटल में जो नर्सिस हैं या यूनिफॉर्म पहन के, वो नर्सिस ही नहीं है नर्सिस, और वो अपने आप को नर्सिस कहला रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ी कॉज है जो हमारे इमेज का खराब। शॉर्टेज तो अपनी जगह है क्योंकि हम बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है, जैसे 1.3 या 4 मिलियन की बात हो रही है कि नर्सिस, 15 लाख नर्सिस की ज़रूरत है, 14 से 15 लाख नर्सिस, और इस टाइम हमें 1 लाख भी नहीं है। तो इंशाल्लाह आपसे रब्ता रहेगा। आप कोई और अपने मेल नर्सिस को, मेल स्टूडेंट्स को कोई मैसेज देना चाहें कि जो इससे फ़ायदा उठाएं, इसलिए कि हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाएगा, आप भी शेयर करें, अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें। तो स्टूडेंट्स के लिए कोई ख़ास मैसेज, जो आज हम देख रहे हैं कि लोगों के पास डिग्रियाँ तो हैं लेकिन वो जज्बा, वो पैशन, वो कंपैशन, वो कमिटमेंट जो है वो प्रोफेशन के लिए नहीं है, उसके बारे में क्या कहेंगे? इसके लिए कि जो घर से निकल के आता है उसके जहन के अंदर यही टारगेट होता है कि मुस्तकबिल में भी कुछ बनूंगा, बनेगा मेहनत से। मेहनत ही सब कुछ दिलाती है। आपका पैसा यहाँ पे काम नहीं आता, यहाँ पे मेहनत ही काम आती है। जो मेहनत करके यहाँ पे निकलते, जिनको मैंने ये भी देखा है, कई बच्चों के पास अपने जो है वो घर तक जाने के लिए जो है पैसा नहीं, कि घर तक कैसे पहुँचे, कभी खाने के पैसे नहीं, पता नहीं कितनी तकलीफें, लेकिन जब वो मंजिल पर आके पहुँचता है तो बहुत सारे ऐसे निकलते हैं कि दुनिया को बाकायदा सपोर्ट करते हैं हेल्थ प्रोफेशन के हवाले से ज़्यादातर। और आजकल जो ये दौर चल रहा है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम या मीडिया वगैरह सारा सिस्टम चल रहा है, या मॉनिटरिंग का सिस्टम जो शहरों के अंदर चल रहा है, यहाँ पे वो चीज़ कम दिखाई देती है मुस्तकबिल के हवाले से देखने, कम दिखाई देती है कि ज़्यादातर काम जो है मशीनों से लिया जाता है। लेकिन यह है कि फ्यूचर है, पाकिस्तान में ऐसा कोई कोर्स नहीं है जो मैट्रिक या इंटर करने के बाद विद इन 4 ईयर वो जाके बंदा गजेटेड पोस्ट पे पहुंचे, 16 ग्रेड की पोस्ट पे पहुंचे, वो भी थ्रू पब्लिक सर्विस कमीशन। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत खुशी है कि मुस्तकबिल के अंदर ये हमारे बच्चे जो निकलेंगे वो जैसे मट्टी कुम्हार जो है, मट्टी को, मट्टी तो है उसको घुमा घुमा के कुछ बनाता है, ऐसी चीज़ की इस्तेमाल में आ जाती है, पार्ट बनती है, बर्तन बनते हैं। तो इसी तरह यहाँ पर आके हम बच्चों को इस मंजिल पर पहुँचाने की कोशिश करते हैं कि वो इस मंजिल में कल को किसी काम आए, तो मुस्तकबिल उनका बहुत अच्छा होता है। जी शुक्रिया बहुत बहुत आपका, इंशाल्लाह आपसे और भी मुलाकातें रहेंगी, और इंशाल्लाह जो भी हम अपने प्लेटफॉर्म से कर सके, और थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। मैं बस आपसे आखिर में बात करता चलूँ कि जैसे हमारे लतीफ़ भाई ने कहा, इज़ अ वेरी सीनियर नर्स, मोर देन सीनियर टू मी, और लेकिन हम लोग कॉलेज ऑफ नर्सिंग में 2 साल हमने भाइयों की तरह और बहुत एक दूसरे को सीखा सिखाया और मेहनत की, तो आज इस मुकाम पे हैं। जैसे इनका यही है कि जब मेहनत कुम्हार भी करता है तो वो फ्लास्क बना देता है, मटका बना देता है, पानी सुराही बना देता है, मट्टी होती है लेकिन उससे तो, लेकिन मेहनत उसके पीछे। तो आप लोग भी मेहनत करें, हमारा ये इंटरव्यू अच्छा लगे, कॉमेंट्स भी दें और शेयर भी करें दूसरों के साथ। इंशाल्लाह फिर आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अब इजाज़त चाहते हैं। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु।